शोभा शोभा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन मावे का। तो ये हमने 300 ग्राम मावा ले लिया है, आधा कप मैदा ले लिया है और 100 ग्राम पनीर। तो सबसे पहले हम चीनी चाशनी बनाएंगे। हमने 800 ग्राम चीनी ले लिया, इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। ऑन कर दिए, अब इसे हम पका लेंगे, चाशनी बना लेंगे। जब तक हमारा ये चाशनी पकता है तब तक हम अपने आगे का दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये पनीर थोड़ा सा हार्ड है, इसे हम सॉफ्ट कर ग्रेट कर लेंगे। इसमें दो चम्मच दूध डाल के हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा से मसल के। ये हमारी चाशनी पकेंगे, हम 2-3 वो इसके तार के नहीं बनाएंगे थोड़ा सा, लेकिन इसे पकाएंगे हम 5-7 मिनट। ये हमारी चाशनी रेडी हो गए हैं, ये देखिए, हमें तार की नहीं बनानी, थोड़ी चिपचिपी सी हमें बनानी है। देखिए थोड़ा सा हाथ में लगे कि ये चिपचिपापन आ गया, तब इसको हम ऑफ कर देंगे। उसके पहले हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गुलाब जल। थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया हमने, आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालिए नहीं तो मत डालिए। और 2 चम्मच डाल देंगे हम गुलाब जल। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं, ढक देते हैं इसको। हमारा पनीर भी सॉफ्ट हो गया, अब इसको हम अलग रख देंगे। हमने मावा ले लिया, मावा भी थोड़ा सा हमारा हार्ड है, हमने फ्रिज में रख दिए थे, तो इसको भी दूध डाल के थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। हमने मावा को भी सॉफ्ट कर लिया, अब इसमें हम बाकी का सामान डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच मैदा, एक चुटकी नमक, थोड़ी सी नमक डाल दोगे उसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। अब इसमें मिक्स कर लेंगे हम, पनीर को भी ऐड कर लेंगे। एक चुटकी जितना हम डालेंगे बेकिंग पाउडर जो हम केक में बेकिंग डालते हैं ना वो। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा डो थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो थोड़ा सा हम दूध डाल सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन पहले मैं इसे अच्छा से मिक्स करके देख लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा दूध डाल लेंगे। तो हमारा डो अच्छा से रेडी हो गया, देखिए। अब एक हम बना के देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्रैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रैक नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारा ये डो रेडी है गुलाब जामुन बनाने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा हम और मसल लेंगे इसको। ये देखिए क्रैक नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा डो रेडी हो गया। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं, अब इसकी फिलिंग हम रेडी करेंगे। हमने थोड़ा सा बादाम ले लिया, थोड़ा सा काजू ले लिया और 15-20 धागे केसर के लेके, अब इसे मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा से। हमने दरदरा से कूट लिया इसे, आप चाहे तो काट के डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे मावा और थोड़ी सी डालेंगे दूध। ये हमारा फिलिंग रेडी हो गया, अब इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम बॉल बना लेते हैं। हमने सारे गोले तैयार कर लिए और एक मैंने ट्रायल के लिए भी तल लिए थे। ये देखिए हमारे फफोले से नहीं हो रहे थे, इसका मतलब हमारा गोले मिक्स सब सही बना है। तो अब हमने घी गरम कर लिए थे, घी गरम करने के बाद अब इसे थोड़ा ठंडा भी कर लिया हमने, क्योंकि एकदम गरम तेल में नहीं डालना चाहिए हमारे समोसा हो गुलाब जामुन हो, ये सब थोड़ा सा ठंडा करके हमें डालना चाहिए। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। इसे डालते ही कढ़ाई में चलाना नहीं चाहिए, इसे हम धीरे धीरे करते। फिर भी मेरा तेल ठंडा नहीं हुआ था, ये देखिए रह गया।
आप ये गलती ना करें, तेल घी को थोड़ा सा तेल या घी को थोड़ा ठंडा करके डालें और इसे ऐसे घुमाते जाइए, रोटेट करते जाइए, छन्नी से इसे ना चलाए जब तक ये ऊपर आ ना जाए हमारे गुलाब जामुन। इसे अब कड़छे से चलाना भी है तो जैसे घी को हम ऐसे चलाते रहेंगे जिससे हमारा गुलाब जामुन रोटेट होते रहेगा, घूमता रहेगा। अगर आप कपड़ों से नहीं करना चाहते हो तो एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाइएगा तो हमारा गुलाब जामुन रोटेट होते रहेगा और सिकता भी रहेगा। लो को हम फ्लेम को लो में ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे और ना ही मीडियम करेंगे, इसे लो फ्लेम में ही हम इसे वो सेकेंगे, फ्राई करेंगे जिससे हमारा ये अंदर तक फ्राई हो जाए। फ्राई गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये हमने सारे निकाल लिए, अभी बाकी के भी हम डाल देंगे। घी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर हम डालेंगे। ठंडा हो गया, अब इसे भी हम बाकी डाल देते हैं। भी ऐसे हम घुमा देते हैं, आप चाहे तो छन्नी से आप कर लीजिए, मैं इसको ऐसे ही घुमाती हूँ, मुझे ऐसे इजी लगता है। गुलाब जामुन हमारे थोड़े ठंडे हो गए और चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई, इसे हम डाल देते हैं। फिर बाकी के भी जो हो जाए ट्राई करके हम इसी में डाल देंगे। हमारी ये वाली बैच भी गोल्डन फ्राई हो गए, बहुत ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे तो ये भी हम निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिए इन्हें फ्रेंड, इसे भी थोड़ी सी ठंडी करके हम चाशनी में डालेंगे, फिर हम मिलते हैं 2 घंटे बाद, क्योंकि हमें अच्छी रिजल्ट चाहिए तो 2 घंटे बाद हम इसे आपको दिखाएंगे कि कैसे बना हमारे गुलाब जामुन। हमारे गुलाब जामुन एकदम रेडी हो गए, लेकिन और बेटर रिजल्ट के लिए आपको और ज़्यादा रखना चाहिए 4-5 घंटे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 1-2 घंटे में इसको दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं प्लेटिंग करती हूँ। ये देखिए हमारी खूबसूरत से गुलाब जामुन बनके रेडी हो गए। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को, कैसा बना ज़रूर बताइएगा और खाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं इसको आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काट के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही एकदम परफेक्ट बनी है गुलाब जामुन, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा। आप भी ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।